लड़कियां हैं ना, थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा मार क्यों, तुम बहुत तमीज से देख रहा है इनको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी जस्ट उठे हम लोग, कितना बज रहे हैं? 9 बजने जा रहा है। 8:52। तो आप नहीं जाने वाले आज? नहीं, मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रहा हूँ। तो हम लोग पहुँचे थे परसों यहाँ पे, तो हमने सोचा था परसों आते ही हम लोग नेक्स्ट डे घूमने जाएंगे, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कल, तो हम लोग कहीं घूमने जा नहीं पाए। रात को बुखार हुआ मुझे, सुबह खांसी हुई, जुकाम हुआ, तो उसके कारण मैं कल सुबह, मतलब कल शाम तक, मैं 5 बजे तक तो मैं पड़ी रही बिस्तर में, उसके बाद जाके ठीक हुई हूँ। सो अभी सुबह नीरज जी मेरे को कब से उठा रहे थे, उधर रूम में जाके बेल बजाया उन लोग का, वो लोग तो उठ ही नहीं रहे, बेल भी नहीं सुन रहे, और फिर दरवाजे नहीं खोल रहे थे। तो नीरज जी को गुस्सा आ गया, नीरज जी गुस्सा है कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं नहीं उठूँगा। इन लोगों को इतनी दूर से गाड़ी चला के लाया, और ये सोए रहे, इससे अच्छा तो देहरादून में सोए रहते। अरे बाबू यार, होता है यार नींद तो। यार क्या नींद, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, इतना कहाँ थक गए, इतना क्या काम कर लिया है, हम भी इंसान हैं, हमें भी तो रहता है कि नहीं यार आज इतनी जाएंगे घूमने वाले। पता है क्या है, सुबह 5-6 बजे उठ के जाते हैं, वही तो देखते हैं, अब तो मैं नींद ही पा रही है, तो नींद ही सही हमें क्या है, नहीं है बाबा। और फिर मैं रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला, नहीं जी, नीरज जी पूरे रात आज खराटे ले रहे थे, क्योंकि इनका शायद गला बैठ गया या क्या था, तो उसी कारण मैं सो नहीं पाई हूँ। तो अभी उन लोग को हमने उठाया और नीरज ने जाके बेल बजाया, वो लोग दरवाजे नहीं खोल रहे थे। फिर मैंने अलीशा को कॉल किया, तो कह रही 5 मिनट रुक जा। फिर मैंने कलश को कॉल किया तो कह रही हम लोग सुबह 4 बजे सोए, तो मैंने बोला सोए कितने बजे, तुम्हारी गलती है, वो अब उठना ही पड़ेगा। फिर मैंने आकाश को कॉल किया कि चल 9 बज गए हैं, जाना नहीं है क्या, तो कह रहा, फिर उसको डर लगे कि हाँ अब 9 बजने वाले, जल्दी जल्दी उठ गए। और मैंने पता ही क्या, गाइस हमारे रूम के जस्ट जैसे बालकनी है, तो मैं कल से मैंने बाहर जाके भी नहीं देखा है, क्योंकि मुझे लाइव आप लोगों के सामने देखना था कि मतलब व्यू कैसा है। तो मैंने पूरा दिन दरवाज़ा, मतलब एक दरवाज़ा खोल के बालकनी में भी नहीं गई हूँ, सब मैं जाके देखूँगी कि कैसा व्यू है, फिर उसके बाद फ्रेश होंगे। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ, व्यू देख रहे, ओ ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे रूम के जस्ट बाहर है, आप व्यू देख सकते हो हमारे बाहर का, सो आप व्यू देख सकते हो हमारे रूम के बाहर का व्यू, और उधर आप देख सकते हो बर्फ दिख रही है आपको, ये। तो अभी उठ चुकी हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाऊंगी तो नहीं क्योंकि इतने ठंड में नो नहाने का मन भी नहीं कर रहा है, मुंह धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नहाऊंगी तो नहीं क्योंकि बहुत ठंड है, और अगर मैं नहाई तो वैसे मैं अभी भी ठीक हुई हूँ, फिर मैं दोबारा से बीमार ना पड़ जाऊँ, तो इसलिए मैं नहाऊंगी नहीं, मैं जस्ट फेस वॉश करूँगी एंड उसके बाद मेकअप करूँगी एंड उसके बाद मुँह निकलेंगे। सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश, इसके अंदर है हनी और मलाई, और हनी हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है और मलाई हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो गाइज मैंने फेस वॉश भी कर लिया एंड अभी मैं यूज़ करूँगी ये हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि फेस वॉश के बाद फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये मॉइस्चराइजर नॉन ग्रीसी है, ये हमारे स्किन को नरिश करता है एंड हेल्दी ग्लो देता है। सो अगर आप लोग भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाकर इसको परचेस कर सकते हो, ये अमेजोन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है एंड आपके नियर बाय स्टोर पे भी अवेलेबल है। और अगर आप इसको मामाअर्थ के वेबसाइट से परचेस करते हो तो आप उसमें मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है VTHAPA2023, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और जब भी आप मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, एंड इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करना। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए एंड परचेस कीजिए। तो गाइज मैंने मेकअप भी कर लिया एंड रेडी भी हो चुकी हूँ, सो नीरज जी भी रेडी हो चुके हैं उधर, कलश और एलिशा रेडी हो रही है, आकाश भी रेडी हो चुके हैं। सो अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो मैं अभी आपको हमारा फुल लुक दिखाऊंगी। बोलो गाइज ये हमारा OOTD है। क्या है OOTD? तो गाइज ये हमारा OOTD है। OOTD तो गाइज ये हमारा OOTD है। OOTD मतलब
पता नहीं ओ मतलब आउटफिट ऑफ द डे आज का अच्छा यस ऐसे कहते हैं ही टू टू ऐसे ऊपर टू टू चलो अभी निकलते हैं चलो जल्दी आओ जल्दी 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 ये शूज क्यों ले जा रही है क्योंकि मैं हील में ऊपर नहीं चल पाऊंगी तो फिर मैं वहाँ चेंज करूंगी और इधर कलर्स भी रेडी हो चुकी है मेरे पति वहाँ बेचारे जाके गाड़ी साफ कर रहे हैं तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं ब्रो yes. जल्दी आओ दो मिनट इसके लिए जल्दी उठना पड़ता है रील बनाने के लिए ब्रेकफास्ट आ चुका है अभी हम लोग सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं लेट्स ऑल ई ट्रिप बिगिन तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं ये देख सकते हो आप यहाँ पे वेलकम तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मे भी यहाँ से हमको पैदल जाना है तो अभी हम देखते हैं चलने में तो मैं भी ठूस हूँ चलूँगी या नहीं मुझे जाके पता चलेगा हाय 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 तो अभी अच्छा हेलो 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 हाय थैंक यू तो गाइज अभी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अभी जो सब्सक्राइबर्स मिले थे इससे पहले वो लोग नीचे से हमको देख के हमारे होटल से यहाँ तक पीछे पीछे आए कसम से हमारे होटल से कितना एक घंटे दूर से हैं भाई वही और लेके क्यों आए दोस्त को लेके आए पूरे की झुंड पूरा हाँ ना अच्छा लगता है यार ऐसे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना बहुत और वो भी मतलब ऐसा वो अनएक्सपेक्टेड प्लेस में कि यहाँ मिलेंगे कि नहीं क्योंकि यहाँ ऐसी मतलब वो है ना पता भी नहीं चलता कि यहाँ से यहाँ पहुंची मेरा सांस फूल गया मैं यहाँ से वहाँ कैसे तुझे पता है कपड़ा ही देख के ऐसा लग रहा है ना ऊपर जाने के लिए वो है ओपन चेयर है वो वाला नहीं है जो जिसमें बोल रहे थे ना कि 20-20 वाला है खुला जो स्कूल टेबल पे बैठते हो स्कूल गए हो कि वो जो रोलर वाला नहीं था रोलर कोस्टर अच्छा ठीक है स्लो से चलता है ताकि तुम और ज्यादा डरो देख के ओपन चेयर है ऊपर जाने के लिए हाँ तो उसमें जाना है पांच नहीं बैठ सकते ओहो कैसे वैसे बैठेंगे फिर एक मैं अकेला आऊंगा अकेला आऊंगा मैं कोई नहीं तीन और दो कर लेना तीन और दो कर लेंगे मेरे पति और मेरे को अलग मत करना तो वही तो हम तीन कर दो हां तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके ऊपर इतनी थकावट भरी चालान से सो अभी यहां से फिर हमको ऊपर जाना है बट पैदल नहीं जाना है हमको जाना है इसमें बट इससे ज्यादा सेफ तो मुझे पैदल ही लग रहा है पूरा ओपन चेयर है भाई सोच के रोना आ गया पता नहीं कितना डर लगेगा ऊपर से पैर पूरे लटक रहे होंगे हवा में ओ भाई पिछली बार तू ऐसे गया था इसी में गया था इसी में गया था भाई मजा आता है अलग ही मजा आता है बिना डरे जाएगी ना भाई ऐसा लगेगा बस तू ही है हीरोइन यहाँ की पर मैं कभी भी वो नहीं करती वो क्या कौन से बोलते हैं जिप लाइन वो भी नहीं करती पर मेरे को इतना डर लग रहा है यार पता नहीं कैसे पति बैठा है ना बगल में तेरे साथ में यार तो क्या डर पति हो चाहे कोई भी हो डर है भाई डर लगता है कोई भी का क्या टॉन्ट मार रही है कोई भी मतलब कोई भी अब पति इधर मतलब तुम लोग भी कोई भी और डर तो लगता है अभी देखते हैं ऊपर पहुँचते इतनी मेहनत करके चढ़े इतना डर के चेयर में बैठ के जाएंगे फिर ऊपर से और चढ़ेंगे बस बर्फ़ दिखे अगर बर्फ़ नहीं दिखा तो ये पूरा जो भी किया सब वेस्ट होगा गाइज अभी मैंने व्लॉग डाला था ना जो हम लोग आए थे देहरादून से औली तक का ट्रिप का नीरज ने रूम टूर दिया है ना तो एक कमेंट पता क्या आया कमेंट तो सुनो भाई इसका पति कितना एनर्जेटिक है रे इतना ड्राइव भी कर लिया आके रूम टूर भी करा दिया है जज्बा है भाई जज्बा पर तूने ये नहीं बताया तू नहीं आज कोई नहीं बता दिया गाइस को कि मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी हाय हाय ये एक्सक्यूज बढ़िया था चल तेरा तो मान भी लेते तो बीमारी ये देखो मैं भी बीमार हूं ऐसा का चेहरा दिख पूरा पता चल रहा है इसको बिल्कुल मूड नहीं है बिल्कुल मूड नहीं है जबरदस्ती खींच के लेके आया हूं कसम से सही में ये देखो कैसा फील हो रहा है इनको कैसा फील हो रहा है डर अच्छा डर के कारण है वो थोड़ा सा ना इतना गंदा मुंह बना के बैठी थी ना तो गाइस अभी वहां से हमको इतना एक्साइटेड होके बुला लिया अब यहाँ फिर से वेट कर रहे हैं गाइस मेरा ये हाथ ना खुजली कर रहा है मतलब आज पैसे आने वाले किसी के साथ होता है कि नहीं जो राइट वाला हाथ होता है ना वो खुजली करता है ना मेरे पैसे आते और लेफ्ट वाला खुजली करता है पैसा जाते आप लोग के साथ होता है कि नहीं कमेंट में बताना गाइस लेफ्ट वाला हाथ ज्यादा खुजलाता है
सही बात है यार, ये तो सही बोला, लेफ्ट ज्यादा खुजली मारता है, काट दो। लेफ्ट वाला ज्यादा खुजली करता तो काट दो। ये मस्त था, पंच लाइन तो ऐसा देता है मेरा पति। तो ये तीनों साथ में जा रहे हैं और मेरे पति और मैं साथ में जाएंगे। बाय। तो अब हमारी टर्न है। ओ भाई ओ भाई, ए भगवान ए भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी, ए ए ए, ओ ओ, मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा। तो कुछ भी हो जाए, वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी यार। गाइस को कंटेंट भी देना है भाई। बिल्कुल दीजिए दीजिए भाई, देखो गाइस कितना, सॉरी हाइट देखो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डर डरा के फाइनली। माय गॉड, ये वाला जो पार्ट है इसमें बहुत डर लगता है, इसमें बहुत हिलता है। तो गाइस वहाँ से हम लोग अभी ये वाली गाड़ी, भैया इसको क्या बोलते हैं गाड़ी को, एटीबी, एटीबी, एटीबी में जा रहे हैं। तो तीन लोग उधर, दो नीरज और मैं यहाँ पे, क्योंकि पैदल चलने का बिल्कुल भी मन नहीं, भाई मैं नहीं चल सकती पैदल। ओ बाप रे रास्ता, इतना भयंकर है ना गाइस यहाँ पे। मजा छोड़ो, आपने लाइव मौत दिखाया हमको। सबसे पहले तो भैया आपको हैट्स ऑफ है भाई, जो इतने खतरनाक रास्ते में चलाते हो, बाप रे। अच्छा ऊपर जाने हैं ऐसे, ए बैग ले लो, छी बैग पर ढूंढ लूंगा। बैग की हालत देखो गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड जब वो गाड़ी ऐसे हो रही थी ना, मैं अपना शरीर ऐसे कर रही थी जैसे कि मेरे मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे दबाव से वो गाड़ी ऐसे हो जाती, ऐसा सोचा मैंने। और ऐसे हो रहा, मैं ऐसे हो रही भाई। उससे तो मेरे साथ हुआ, गाड़ी एक तरफ ही ऐसी सदी थी, पीछे कर इस तरफ इस तरफ उस तरफ, भाई ऐसा लग रहा था यू सीधा। हाँ आकाश, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ नहीं बताना चाहता, मेरा बम जवाब दे रहा है अभी। मैंने एक भी चीज देखा नहीं होगा, मेरी कितनी गद्दी फटी थी पंचायत में, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है ना, मुझे क्या पता इतना भयंकर हाइट होगा। भयंकर ये तो फिर भी कम था, सोच जो जिप लाइन वगैरह तो उसमें कितनी हाइट होती है। वो तो मैं कर लेती हूँ यार, इसमें मुझे पता नहीं क्यों, इसमें ना एक उसमें जिप लाइनिंग में होता है ना कि हाँ हमें सेफ्टी के लिए गार्ड वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं, बस अपना ऐसे पकड़ना है और बैठना है। अभी तक जो किया था वो तो कुछ भी नहीं था, असली ट्रैक तो अब स्टार्ट हुआ है। जल्दी आ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बर्फ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ है, आप देख सकते हैं गाइज। तो ये चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा बर्फ देखने के लिए और चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे दिखा रहे, अभी मत करो, भागो मत। गाइज अभी हम लोग आधे स्पॉट में पहुंचे, सो अभी हमको ये बर्फ वाले जो रास्ता है इसको पार करते हुए जाना है। प्रैक्टिस की दो तीन बार, अब लाइव करने वाला है। यस, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ। एक्साइटेड है आकाश? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बता नहीं सकता मैं, इतनी ज्यादा बर्फ है, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। अनिशा, कलश, यस, तुम दोनों ने नहीं करना? इनको तो, तुझे क्या, हम तीनों को तो सीखते सीखते सात साल हो जाएंगे। ओवर बोल दिया तो। सात साल तो ओवर बोल, अनिशा ने सात साल ओवर। ये बहुत बढ़िया, राइट को टर्न कर, राइट को राइट को, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत। अब बर्फ पे बैठ जा, बर्फ पे, ये बर्फ पे बैठ जा, लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा, गिर जा, या ओए गिर गया, क्या एक्टिंग, क्या गिर फुल। यहां कलर्स तो फॉर्म में आ गई थी, वो सिटी मारी एक बार।
नहीं जानते हमारे कस्टमर है मुझे जानते हो मुझे आप देहरादून के हो देहरादून से नहीं जानते मैडम देहरादून में बहुत पब्लिसिटी है राजधानी मुझे जानते नहीं जानते हो आपने मुझे कहाँ देखा आपने इनको देखा होगा उन दोनों इन दोनों को नहीं देखा टीवी देखते हो आप बिल्कुल टीवी देखते हैं डांस इंडिया डांस देखते हो झलक दिखलाजा देखते हो उसी उस वही ये तो है हीरो हीरो नंबर वन यहाँ पे करके दिखाई पर तभी फिल्म बनेगी यू नो चाचा भयंकर है आपको हम चाचा बोले बिल्कुल ठीक है चाचा चाचा का मतलब क्या होता है मतलब पापा का छोटा भाई हाँ पापा का छोटा भाई चाची भी देहरादून की है हाँ चाची भी देहरादून की है तो तुझे तुझे क्या मतलब है उनकी चाची हो चाहे ना हो तुझे तुझे क्या दिक्कत आ रही है तूने ढूंढ रहा है क्या उनके लिए मैंने सोचा कहीं देहरादून गए तो कभी आपके घर चले गए मैं आपको पूरा प्रॉब्लम बता रहा हूँ चाची भी आपकी ऐसी है जैसे मैडम है ना पतली सुंदर मतलब कहना चाहते हो सुंदर है सुंदर भी है पतली भी है ठीक ठाक सबको अपना अपना सबको सुंदर लगता है निशा की चाचा से मस्त दोस्ती हो गई है ना मेरे बच्चे हैं आप जॉब करते हो या सर्विस करते हो जॉब कहाँ पे यूट्यूब पे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है ओके ओके मेरा वर्षा थापा उसका कलश थापा इसका एलिशा थापा और उसका द आकाश थापा ओके ओके अब बताना क्या क्या है हमारा वस्ता थापा इनका नाम एलिशा थापा एलिशा थापा कलश थापा कलश थापा द आकाश थापा द आकाश थापा दैट इज द नीरज गुरु गुड इनका चैनल नहीं है हम चारों का आपस में आए सब आएंगे ना हाँ तो गाइज बर्फ तो बस यही है भाई तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करेंगे एंड रील बनाएंगे एंड हो इसके ऊपर भी है पर वहाँ पे जाने के लिए एक घंटा लगेगा मतलब एक घंटा जाने के लिए लगेगा मतलब हमको लगेगा डेढ़ घंटे इसको लगेगा दो घंटे तो इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि अब हम ऊपर नहीं जाएंगे हम यहीं से वापस जा रहे हैं बस अब नहीं देखना बर्फ अब ऐसी बर्फ देखनी है अगर हमें तो हम घर में देखेंगे घर में ऐसा तो मैं वो फ्रीजर से ऐसे निकालती थी आइस पहले ऐसे निकालते हैं डल्ला डल्ला ऐसे ऐसे करके बनाते हैं खाना खाना चल छी गु होगा एलिशा उतरने के लिए एक्साइटेड है यार वही मैं तभी तो चुपचाप से बैठी हूँ मुझे टेंशन हो रहा है उतरने का ओ भाई सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर फेंको फेंको मेरे एक दो फोटो ही है मैं बाद में ले लूंगी एक दो फोटो एक दो फोटो है एक दो फोटो अच्छा है एक दो फोटो है कैमरे में देख खुली जरा एक दो फोटो एक दो सौ एक दो सौ दो पसंद है उतरते वक्त तो पता भी नहीं चल रहा भाई है ना मजा आ रहा है लड़कियां है ना थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा चश्मा क्यों तुम बहुत से देख रहा है इनको ऊपर फोटो खींचने के लिए चश्मा एक बार भी नहीं लगा अभी लड़कियां देख कितनी जल्दी चश्मा लगा लिया नहीं वो छोड़ो लड़कियां कम है लड़के बहुत ज्यादा है समझ रहे हो अरे यार फिर से ये राइड करना है इतनी फट रही है ना गाइस इसमें यार फाइनली पहुंच गए हैं क्या हो गया आपको आपको क्या हो गया इतना एक्साइटमेंट मजा आ गया भैया आप कब से चला रहे हो 11-12 साल ओ हो ये रास्ते में चलाना बर्फ पे भी चलता है ओ भाई एक मुश्किल घड़ी तो पार कर ली अब दूसरी मुश्किल घड़ी पार करनी है नीरज को बहुत मजा आ रहा है मुझको देखने में बड़ी हंसी आ रही है उनको इतना मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा तो सकले ऐसी बना रही हो रिएक्शन ही ऐसी कर रहे हैं जब नीचे आते हैं ना वो हाँ, गाड़ी में हाँ, एक सेकंड भी नहीं चुप बैठे ए भगवान ए भगवान ए प्रभु ए प्रभु ए भगवान भाई डर लगता है भाई और लास्ट में तो उसने ऐसा घुमाया था हाँ, तो वही, वही स्टॉप कर देते
ओ, हमारी ट्रिप खत्म हो चुकी है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। कैसा था ट्रिप? ट्रिप ऑब्वियसली यार बहुत सही था, बिकॉज कल मैं तो डर गया था भाई मेरी दीदी बीमार होगी, कल आज जा पाएगी कि नहीं, बट फिर उसने ऐसा रूप निकाला कि बस मजा आ गया। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट मेरे वजह से ये लोग भी नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने उन लोग बोला तुम लोग चले जाओ, बट इन लोग ने बोला नहीं हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फन मैं ही करती हूँ। मतलब इन लोग को कल से मत आइयो, कल से खुद आइयो, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट इन लोगों को मैं ही करती हूँ, तो इन लोग मेरे बिना नहीं जा पा रहे थे। तो आज बहुत खुश थे ना सबके, मतलब सबके चेहरे पे मैंने एक अच्छा सा हसीन उसको रात ला दिया ना, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब हमारी स्माइल, दोनों की स्माइल ना यूं करके ना कान तक पहुंच गई थी। तो गाइज मेरा प्लान तो था कि मैं रूम में आते ही सो जाऊंगी, बट इन लोग ने सबने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो इधर हमारा है फ्राइड राइस एंड मैगी, तब ये खाते उसके बाद मैं सोती हूँ, फिर उठने के बाद मिलते हैं आपसे। जब हम जस्ट उठे हैं, हमने चाय मंगाया है, चाय पीते हैं एंड उसके बाद देखते हैं आकाश लोग क्या कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया अभी? 7:30 हो चुके हैं, अभी जस्ट उठे हैं भाई, मस्त नींद पूरी हो गई आज तो। तो गाइज हमने चाय भी पी मस्त तरीके से, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और खाना हमारे होटल के नीचे भी है, तो उन्होंने हमको कॉल करके बोला कि खाना लग गया है आ जाओ। एंड जो ये होटल के ऑनर है, सो उनका रेस्टोरेंट भी है इधर, ओलीडी फूड प्लाजा करके, हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे इनवाइट किया है, तो हमको दो जगह से खाने का इनविटेशन आया है, एक तो होटल के नीचे ही जो मिलता ही है खाना, एक उनके ऑनर की तरफ से। बट फिर हमने दोनों जगह पूछा कि क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे पूछा तो लौकी की सब्जी थी, तो मैंने बोला नहीं भाई, सब ने बोला ना 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 लौकी की सब्जी तो नहीं खाएंगे, फिर वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे नॉन वेज अवेलेबल था शायद, तो इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं। गाइज आपको हमारे आउटफिट पसंद है, जैसे हम जिम में या फिर रनिंग करने जा रहे होंगे। कसम से रनिंग करने जाओ, जाओ जाओ जाओ। मैंने इसलिए ऐसा पहना क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने थे यार, जींस बहुत हो गया। हाँ भाई सही में, क्योंकि अब एक तो इसने भी चेंज किया ना, हमने चेंज नहीं किया। तो गाइज हमारा डिनर भी आ चुका है, डिनर तो क्या ही बोले इसको, पर फास्ट फूड ये है, क्या बोला था आपने इसको? स्पेगेटी। ये किस से बना है? सूजी। सूजी से, मैदे से नहीं बना है, तो ये हेल्दी है। और हमको मिला है ये क्या बोलते हैं, गार्लिक ब्रेड। काश ने कल मोमो खाए थे यहाँ पे तो उसको अच्छे लगे थे, तो अभी उसने फिर से मोमोज मंगाए। मेरा खत्म भी कर कितना आपसी है भाई। तो गाइस ये होटल जिसकी मैं बात कर रही थी, तो मस्त खाया हमने, डांस भी किया, एंजॉय किया। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, सो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।